जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। आप भी सोच रहे होंगे यह पंक्तियां किसके लिए हैं। आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के वैक्स म्यूजियम में। एक वैक्स स्टैचू के बहुत बड़े आर्टिस्ट, बहुत बड़े कलाकार से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जिनका नाम है चंद्रशेखर प्रभाकर जी। तो आइए उनसे जानते हैं कि वो मोम के पुतलों को कितनी सुंदर आकृति कैसे देते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। हेलो सर, वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। हेलो सर, सबसे पहले आप ये बताइए, आपने ये वैक्स म्यूजियम की शुरुआत कब और कैसे की? एक्चुअली 2000 में मेरे को एक शादी के सिलसिले में लंदन जाना पड़ा। तो जब शादी का सारा हो गया प्रोग्राम, लड़की विदा हो गई, मेरी भतीजी की शादी थी, तो उसके बाद मेरे भाई साहब ने सोचा भी इसको कुछ दिखाया जाए। तो उन्होंने डिसाइड किया भाई, ये क्योंकि आर्ट लवर है, इसको क्यों ना मैडम तुसौड का वैक्स म्यूजियम दिखाया जाए। क्योंकि फॉरेन कंट्री में जाओ तो वहाँ पर उनको क्रेज होती है, मैं इनको ये दिखाऊँ, मैं इनको ये दिखाऊँ। तो दैट वाज द बेस्ट थिंग दैट ही थॉट फॉर मी। तो उन्होंने कहा भाई आओ तेरे को एक चीज़ दिखा के आए। तो जब वो मेरे को ले गए तो मैं हैरान हो गया। जब मैंने पहले एंटर किया ही तो वहाँ पर जो मैंने स्टैचू देखे, मैं हैरान हो गया कि ये तो ऐसे लग रहे जैसे बिल्कुल जिंदा खड़े हैं। मैं सोच रहा था वो धन्य है वो लोग जिन्होंने ये स्टैचू बनाए हैं, उनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव गांधी, अमिताभ बच्चन और भी बहुत सारी हस्तियों के स्टैचू, उनके फॉरेन के महारानी विक्टोरिया और उनका परिवार, ये सारे स्टैचू बने हुए थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। आम रूटीन में वहाँ पर लोग जाते हैं तो एक डेढ़ घंटे में वैक्स म्यूजियम देख लेते हैं, बट इट टुक मी मोर देन 4-5 आवर टू सी दैट म्यूजियम। मैं जिस स्टैचू को देखता था वो ऐसे लगता था कि मैं इसको डीपली स्टडी कर रहा हूँ भी ये कैसे किया है, उसने आँखें कैसे बनाई हैं, उसकी डिटेल्स कैसे बनाई हैं, उसके नाक कैसे बनाए और ये आईब्रोज सारे, यानी बहुत डिटेल से मैं देखने लग गया। तो मेरे भाई साहब मुझको कहने लगे मजाक में, यार तू तो जो स्टैचू देखता है उससे में घुस जाता है। बट एट दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर भी ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ से इंडिया वापस आ गया। तो सर आपने इसकी स्टार्टिंग कौन से ईयर में की थी? उसके बाद ना अनफॉर्चुनेटली मेरा इंडिया में आने के बाद बाईपास सर्जरी हो गई। तो मेरे पास टाइम पास करने के लिए डॉक्टर ने कहा भी आपने फैक्ट्री नहीं जाना, क्योंकि मेरी मेन केमिकल इंडस्ट्री है। तो उन्होंने बोला आपने फैक्ट्री नहीं जाना क्योंकि आप पोल्यूशन से बचना है। तो मैं सोचने लगा भाई अब कैसे टाइम पास करूं, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है ज़िंदगी में, 18-18 घंटे काम किया है। तो जो बंदा 18-18 घंटे काम करता रहो वो बेचारा बांध जाए भी मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने ये नहीं करना, मैं वो नहीं करना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने उस वक्त अपने मोबाइल से उनको टेलीफोन किया, मैडम तुसाड को भी आप का मैंने म्यूज़ियम देखा था लंदन में, तो आई विश दैट यू शुड ओपन ए म्यूज़ियम इन इंडिया आल्सो, आई विल सपोर्ट यू। मगर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया एंड द वे ऑफ रिफ्यूज़ल वाज वेरी बैड। उनका तरीका जो था बताने कहने का दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया। तो जैसे आप जानते हो कि ऑपरेशन के बाद बंदा चिड़चिड़ा भी हो जाता है, तो मेरे को बुरा लगा और मैंने ना उन्होंने टेलीफोन रख दिया। मैंने फिर टेलीफोन उठाया और उनको डायल किया और बोला देखो आपने नहीं बनाना तो मैं बना के दिखाऊंगा, और आई टू गेट एज ए चैलेंज। तो मैंने फिर उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो आपको मेन आपके मोटिवेटर कौन थे, किसने आपको मोटिवेट किया कि आप वैक्स स्टैचूज की तरफ जाओ, या आपकी एक सेल्फ कॉन्शियस थी कि मैंने ये चीज़ करनी है, इस लाइन में जाना है? मोटिवेट मेरे को किसी ने नहीं किया, क्योंकि जब उन्होंने ऐसी बात की थी, एक्चुअली आई एम सन ऑफ ए फ्रीडम फाइटर, मेरे फादर जो फ्रीडम फाइटर थे, तो वो जो खून है मेरे में दौड़ रहा था, और हिंदुस्तानी का खून आपको पता, और ख़ास करके पंजाबी का खून जब खोलता है तो कोई ना कोई रिजल्ट ले ही आता है। तो मैंने ना उसको स्टडी करना शुरू किया। बाई दैट टाइम आई वॉज नॉट अवेयर कि वैक्स स्कल्पचरिंग कैसे होती है, कौन सा वैक्स इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, कैसे नहीं होता। आई वॉज टोटली इग्नोरेंट अबाउट दैट। मगर कहते हैं ना जहाँ चाह वहाँ रहा, तो मैंने उसके बारे में स्टडी करना शुरू कर दिया। कभी एक्सटेंशन लाइब्रेरी जाता था, कभी कुम्हारों के पास जाता था, कभी और कलाकारों के पास, कभी पेंटर्स के पास, उनसे पूछता था। सब हैरान होते थे, यार हमने तो कभी सुना नहीं वैक्स स्टैचूज क्या होते हैं, दे वर टोटली अनअवेयर ऑफ दिस थिंग। तो मैंने अल्टीमेट स्टडी करना शुरू किया और चांसली मैं एक CD वहाँ से लेके आया था मैडम तुसौड से, तो उसको मैंने बार बार देखा। तो मैंने डिसाइड किया अभी सबसे पहले महात्मा गांधी जी का स्टैचू बनाया जाए। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका स्टैचू बनाना मैंने डिसाइड किया। उसकी वजह ये थी कि उसमें ज़्यादा बाल लगाने की ज़रूरत पड़नी थी और वो बड़ी प्रोमिनेंट फिगर है, तो उसको उसमें अगर थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए तो उनकी पता लगना शुरू हो जाता है ये गांधी जी हैं। तो मैंने उस पर कोशिश की एंड इट टुक मी 1 year टू मेक दैट स्टैचू। एक साल मेरे को लग गया मगर अल्टीमेटली आई सक्सीडेड।
तो जैसे हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, क्ले से हम लोग कुछ अपनी कलाकृति बच्चे बनाते हैं, कोई मॉडल्स बनाते हैं, कोई फ्रूट्स बनाता है, तो वो भी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। क्ले को यूज़ किया, फिर बार बार उसको फिर कन्वर्ट कर दिया किसी और चीज़ में, तो उनको भी काफ़ी टाइम लगता है। तो आपने जब अपना फर्स्ट स्टैचू बनाया, आपसे कितनी बार मिस्टेक्स हुई थी? हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसमें। चांस की बात है कि हमारे एक रिलेटिव हैं, उनकी महात्मा गांधी जी से शक्ल मिलती है, वो हमारे घर मेरी खबर लेने के लिए आ गए। तो मैं स्टैचू बना रहा था, पहले ये क्ले का ही बनता है, पहले क्ले का बनाना पड़ता है, उसके बाद फिर उसकी प्लास्टर पैरिस में डाई बनती है, उसके बाद उसमें वैक्स की कास्टिंग होती है, उसके बाद ये स्टैचू तैयार होता है। तो मेरे दिमाग में उनका शक्ल ऐसे फंस गई, वो जब मैं गांधी जी को बनाने शुरू करता था, वो उन्हीं की शक्ल बनी जा रही थी। मैंने फिर 3-4 दिन के लिए उसको स्टॉप कर दिया। मेरी वाइफ ने कहा भी ये आप ना छोड़ दो, आपसे अभी नहीं बनेगा, आप थोड़े दिन रिलैक्स करो, उसके बाद फिर, क्योंकि मैं इरिटेट भी हो जाता था जल्दी कि भाई ये क्या हो गया, अभी बड़ा अच्छे गांधी जी का बन रहा था, ये क्या होने शुरू हो गया। सो मोर ओवर मेरे पास 3-डायमेंशनल फ़ोटो भी नहीं थे, मैं सिंगल डायमेंशन से बनाता था। तो एनीवे वो 3-4 दिन के बाद वो मेरे दिमाग से वाइप आउट हुआ उनका जो फेस था। उसके बाद फिर मैंने गांधी जी का बनाया, तब जाके वो सक्सेसफुली, जो आपका वो सवाल है ना कि भाई वो कैसे वो मिस्टेक होती है, वो ऐसे मिस्टेक हो जाती है बंदे की, थोड़ी डाइवर्शन हो जाए दिमाग की, तो वो उसमें बंदा मार खा जाता है। तो फैमिली से कितना सपोर्ट मिला आपको? मेरी फैमिली तो बहुत खुश है, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। आज वो फैमिली जो आज से कुछ साल पहले लुधियाने में आए थे, जिसको कोई नहीं जानता था, आज लुधियाने में नहीं, पंजाब में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, अब्रॉड में भी लोग मेरे को जानते हैं। पिछले दिनों मैं USA गया हुआ था, तो जिस दिन ये कपिल शर्मा का शो आया, आई वॉज देयर इन USA, तो लोग मेरे को देख के बड़े हैरान थे, अरे प्रभाकर जी आप तो वही है ना जिसने कपिल शर्मा का स्टैचू बनाया। तो वो बड़े खुश थे वहाँ पर, और मेरे ब्रदर जो वहाँ पर रहते वो भी बड़े देख के हैरान हो रहे थे, अरे भाई साहब आपको इतने लोग जानते हैं अमेरिका में। मैंने कहा भाई मेरे को खुद नहीं पता इतने लोग जानते हैं। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ यू नो सेटिस्फैक्शन व्हेन यू गेट, जब आपको लोग पहचानना शुरू कर देते हैं, तो नेचुरली फैमिली को भी खुशी हो रही है, बहुत खुश है, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हैं कि आज उनको लोग रिकग्नाइज करते हैं, ये आपके दादू हैं। मेरे ग्रैंडसन्स को पूछते हैं जो वैक्स म्यूजियम बना स्टैचू बनाते हैं, बेटे को पूछते हैं वो आपके पापा हैं जो इतने अच्छे अच्छे स्टैचू बनाते हैं। सो दिस इज बट नेचुरल। यू मेड वैक्स स्टैचूज ऑफ सो मैनी फेमस पर्सनैलिटीज, ऑफ कॉमेडियंस, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड स्टार्स, तो उनकी तरफ से आपको कभी कोई रिव्यूज़, कैसे रिव्यूज़ मिले, उनका क्या मतलब था आपके बारे में कहना, जब उन्होंने देखा होगा आप इतने अच्छे अच्छे स्टैचूज बनाते हैं उनके? देखो बहुत बड़े स्टार जो हैं उनको तो मैं नहीं कह सकता, अभी मैंने पहले मेयर मित्तल जी का स्टैचू बनाना था, तो उनको मैं मिल के आया, उनकी फ़ोटोग्राफ्स खरीद लेके आया था, तो उन्होंने बहुत अच्छा मेरे साथ, गुरदास मान जी हैं उनका स्टैचू बनाया था, उनको भी मिला था, उनके उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। उसके अलावा शायद आप जानते हो एक स्वरूप रिंदा जी थे, वो पंजाबी अथरों का रोल करते थे, उनसे ही मिला था। और कपिल शर्मा का जब मैंने स्टैचू बनाया तो कपिल ने मेरे को पहले ट्वीट किया, तो उसके बाद फिर मेरे को उसने इनवाइट किया कपिल ने, भाई अंकल जी आप मेरे शो में आओ, तो मैं वहाँ पर गया, उसने बहुत प्यार दिखाया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया वहाँ पर। बाकी के भी जो उनके को स्टार आर्टिस्ट थे उन्होंने बहुत प्यार दिया, सुनील ग्रोवर ने भी, कीकू शारदा ने भी, सब लोग बड़े प्यार से मिले। और मतलब ये क्योंकि आई एम वेरी फार फ्रॉम बॉम्बे यू नो, तो इतनी ज़्यादा मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाता, मगर फिर भी मेरे को ये पता चलता है कि हाँ उन्होंने एडमायर किया, उन्होंने एडमायर किया, वो ट्वीटिंग सारी बातें होती है। सर एक स्टैचू बनाने में आपको कितना टाइम लग जाता है मैक्सिमम? एक्चुअली देखिए लंदन में एक स्टैचू बनाने के लिए वो 30-35 बंदों की टीम काम करती है, एंड दे टेक मिनिमम 4 मंथ्स टू मेक वन स्टैचू, ठीक है। मगर मैं यहाँ पर अकेला ही काम करता हूँ और सिंगल डायमेंशन से काम करता हूँ, और मेरे को भी 3-4 महीने लग ही जाते हैं एक स्टैचू बनाने में। हाँ सर, जैसे हम देख रहे हैं कि आपकी एज है, जितनी आपकी एज है, तो इस एज में इतना ज़्यादा टफ काम करना, इतना ज़्यादा मतलब अटेंशन वाला काम करना, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? हाँ, लोग ना कहते भी 60 ईयर्स की एज में लोग रिटायर हो जाते हैं हमारे हिंदुस्तान में, मगर मैं आपको बताऊंगा आप खुश होंगे जान के, मैंने जो ये वैक्स स्कल्पचिंग का काम शुरू किया है आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम माई बिजनेस, यानी 58 ईयर्स की एज में मैंने पहला स्टैचू बनाया था। और जो कि मेरे लिए एक लोगों के लिए बड़ी हैरानगी की बात हो, मैं खुद हैरान होता हूँ भाई, लोग जबकि इस उम्र में ना यार मेरे से कुछ नहीं होता, कोई बैठा ताश खेल रहा है, कोई बैठा शतरंज खेल रहा है, कोई बैठा हुक्का पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, और मेरे को ये नशा लगा हुआ है, मैं स्टैचू बनाता रहता हूँ। और ये ऐसा नशा है रादर, मैंने पिछले बादल साहब से ये बात कही थी, अगर आप हमें थोड़ा इनक्रेज करें आर्टिस्टों को, और अगर मैं ये बच्चों को ये चीज़ सिखाऊँ,
कि जिसमें ये कला का नशा अगर बच्चों को लगना शुरू हो जाए तो हो सकता है कि वो दूसरे नशों को छोड़ के इस नशे की तरफ चल पड़े। ये बहुत अच्छा नशा है और ये दिस इज़ ए कंस्ट्रक्टिव, यू नो, डिस्ट्रक्टिव नहीं, इससे किसी की सेहत ख़राब नहीं होती। मेरे को जब मेरा ऑपरेशन होता डॉक्टर ने बोला था भैया हम 8-10 साल की आपकी गारंटी लेते हैं, मगर आज भगवान की दया से, ये वैक्सीनेशन की दया से मेरे को 17 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और आप देख रहे हो कई लोग मेरे को एस्टिमेट करते हैं जी आपकी उम्र होगी 64-65, वेरस अभी 72 साल का मैं कंप्लीट कर लिए, 73वां मेरे को 8 अगस्त को लग गया। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ, आप ऐसे ही सबके अच्छे अच्छे स्टैचूज बनाते रहे इन फ्यूचर भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आपके चैनल का भी मैं धन्यवाद करता हूँ जो मेरे को आपने यहाँ पर मिलने आए हैं और मेरे बारे में जानना चाहा, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। माने ना मेरा दिल दीवाना, माने ना मेरा दिल दीवाना, ओ तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना। आपने देखा यह थे हमारे साथ एक फेमस आर्टिस्ट चंद्रशेखर प्रभाकर जी, आपने देखा कैसे मोम के पुतलों में वो इतनी जान डाल देते हैं कि वो देखने में बिल्कुल असली लगते हैं, कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाता। तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे पंजाब के लोगों से, पंजाब के बाहर के लोगों से कि प्लीज़ एक बार लुधियाना इनके वैक्स म्यूजियम को ज़रूर विजिट करें, अपने फेमस बॉलीवुड पर्सनालिटी स्टार्स कॉमेडियंस पॉलिटिशियंस के साथ सेल्फीज़ का आनंद ज़रूर उठाइए। शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।